आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आपका खुद का काम है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने काम में पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो सेविंग बैंक का जो अमाउंट है वो दिनों दिन घटता जा रहा है, वो आपकी चिंता का कारण है, आप को रात की नींद आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है और आप अपनी प्रॉब्लम को किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, और आपसे गलती कहां हो रही है, आपको लग रहा है कि शायद कोई एस्ट्रोलॉजर ठीक कर देगा, शायद कोई वास्तु वाला ठीक कर देगा। तो अगर आप इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, इस तरह की आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंश्योर 100% रिचनेस ईजली एंड ऑटोमेटिकली। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला शेयर करूंगा, जिस फॉर्मूले को अगर आप समझ लें, अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो अगले कुछ दिनों के भीतर ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको काफ़ी सुधार दिखाई देगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करके आप बहुत जल्दी जो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है आप एक वेल्दी क्लास में आ जाएंगे। तो आपको मैं शेयर करता हूँ कि ये फार्मूला क्या है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है जो ये कहता है कि अगर आप 100% रिचनेस चाहते हैं, अगर आप अबंडेंस ऑफ वेल्थ चाहते हैं, मनी चाहते हैं, तो एक सिंपल सा फार्मूला है जो ये कहता है कि इसके लिए आपको चार एलिमेंट की ज़रूरत है। अगर आप चार इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देंगे तो उसका जो आउटकम होगा वो होगा मैसिव वेल्थ, ह्यूज मनी। सो वो चार एलिमेंट क्या हैं? एलिमेंट नंबर वन इज़ द माइंडसेट। अगर आपके पास एक स्ट्रांग माइंडसेट है, एलिमेंट नंबर टू, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, एलिमेंट नंबर थ्री, आपके पास एक ऐसी स्किल है, ऐसी सर्विस है या ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई वैल्यू का है या जो हमेशा डिमांड में रहता है, देन एलिमेंट नंबर फोर, अगर आपकी सेलिंग स्किल्स अच्छी है। अगर हम इन चार चीज़ों का फ्यूज़न कर दें तो इसका जो आउटकम है दैट विल बी ह्यूज मनी। आगे हम समझेंगे इन चारों एलिमेंट्स के बारे में ब्रीफ में कि इसको हम लोग कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं या इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे रिचनेस का एलिमेंट नंबर वन या पिलर नंबर वन, जिसको बोलते हैं माइंडसेट। सबसे पहले हमें एक स्ट्रांग माइंडसेट को अक्वायर करना है। अब देखिए, ये जो माइंडसेट है इसके दो सब एस्पेक्ट्स हैं। पहला जो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है और दूसरा जो हमारे मनी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। एक स्ट्रांग माइंडसेट के लिए, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी माइंडसेट के लिए हमें पांच एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे हमें वर्क करना होता है, जो हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। पहला, हमारी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, हमारा थॉट एंड स्टेट पे मास्टरी होनी चाहिए। फोर्थ, हमारी हैबिट्स स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड फिफ्थ, हमारी लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड इज द मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट का मतलब ये होता है कि हमारे मनी बिलीफ कितने स्ट्रांग हैं, हमारा जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है वो कैसा है। जो थर्ड है दैट इज़ हमारा जो मनी ब्लूप्रिंट है, जो हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग है वो कैसी है। तो इन दोनों को स्ट्रांग करना इज़ द फर्स्ट पिलर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिचनेस। अब हम समझेंगे सेकेंड पिलर, सेकेंड एलिमेंट को, जो कि है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको केवल तीन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द अनएक्सपेक्टेड पेन ऑफ योर आइडियल कस्टमर। जो भी आपका मार्केटिंग मैसेज है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट में जाए, चाहे आपके कम्युनिकेशन में जाए, चाहे जिस भी तरीके से आप उसको मैसेज को कन्वे करते हैं, सबसे पहले जो आपको एड्रेस करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड कम्युनिकेट करना है, व्हाट इज़ द पेन पॉइंट ऑफ योर आइडियल कस्टमर। सेकेंड चीज जो आपको कम्युनिकेट करना है दैट इज व्हाट इज द अनएक्सपेक्टेड गेन डिज़ायर ऑफ योर आइडियल कस्टमर। एंड थर्ड चीज जो आपको कम्युनिकेट करना है, कन्वे करना है, वो ये है कि आपके कोई भी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं,
आप उनकी स्टोरी शेयर करो कि कैसे वो अपने अनएक्सपेक्टेड पेन से अपने एक्सपेक्टेड डिज़ायर तक, अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर तक की जो जर्नी थी, जो पेन से लेके जो भी उनकी जो डिज़ायर की जो जर्नी थी, उनको उस जर्नी में कैसे आपने हेल्प किया। सो ये हमारी मार्केटिंग को एम्पावर करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सो द थर्ड एलिमेंट इज द योर सर्विस या योर प्रोडक्ट। जो आपकी जो स्किल है, जो आपकी जो सर्विस है, जो आपका जो प्रोडक्ट है, उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए। या तो ये बहुत हाई वैल्यू की हो या ये हाई डिमांड की हो, और अगर ये दोनों का फ्यूज़न होगा तो ये और भी पावरफुली वर्क करेगा। देन एलिमेंट नंबर फोर जो कि होता है सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स को अगर मैं समराइज करूँ तो इसमें आपको बस अपने कस्टमर की नीड को, पेन को या डिज़ायर को समझना है। एक बार आप उनकी नीड, पेन या डिज़ायर को समझ जाते हैं, उसके बाद ही आपको अपना जो भी आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो उनको ऑफर करना है। तो अगर आप इस फोर स्टेप फॉर्मूला को अपनाते हैं, मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले राइट माइंडसेट को अक्वायर कीजिए, सीखिए, अर्न कीजिए। स्टेप नंबर टू, पावर ऑफ मार्केटिंग को यूज़ कीजिए। स्टेप नंबर थ्री, एक हाई वैल्यू या हाई डिमांड प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कीजिए। एंड फोर्थ, इफेक्टिव सेलिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये फोर स्टेप को मिक्स करते हैं, आप इस फोर एलिमेंट को अगर आप स्ट्रांग करते हैं, तो इसका जो आउटकम होगा दैट विल बी द मैसिव वेल्थ, ह्यूज मनी। सो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपकी जो भी एक की लर्निंग है, एक जो नई लर्निंग है जो आपको बहुत एम्पावर करने वाली है, उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।